जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भोपाल रेलवे स्टेशन की, जहां पर चलती हुई ट्रेन में चढ़ते वक्त एक महिला यात्री का पांव फिसल गया। वो महिला ट्रेन की चपेट में आती उससे पहले पास में ही खड़े मध्यप्रदेश पुलिस के प्रधान आरक्षक विनोद बघेल ने तत्परता दिखाते हुए महिला को बाहर खींच लिया और उसकी जान बच गई। ईश्वर कब कहां किस रूप में मिल जाए कहा नहीं जा सकता। घटना भोपाल के रेलवे स्टेशन की है, जहां पर चलती हुई ट्रेन में चढ़ते वक्त एक महिला यात्री का पांव फिसल गया। वो महिला ट्रेन की चपेट में आती उससे पहले पास में ही खड़े मध्य प्रदेश पुलिस के प्रधान आरक्षक विनोद बघेल ने तत्परता दिखाते हुए महिला को बाहर खींच लिया और महिला की जान बच गई। विनोद बघेल ने बताया कि वे SCRV शाखा पुलिस हेडक्वार्टर में पदस्थ हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस हमेशा अपना कर्तव्य निभाती है, चाहे वे छुट्टी पर ही क्यों न हो। विनोद ने लोगों को सलाह दी कि चलती ट्रेन में कभी भी ना चढ़ें, इससे बड़ा हादसा हो सकता है। घटना के बाद विनोद बघेल ने महिला को भी दोबारा ऐसा न करने की समझाइश दी। नमस्ते, मेरा नाम विनोद कुमार बघेल है। मैं पुलिस मुख्यालय में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज सुबह पंजाब मेल में चलती हुई ट्रेन में एक महिला चढ़ने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनका पैर फिसल गया और एवं ट्रेन के नीचे आ गई, जिसमें त्वरित वहाँ पर मैं मौजूद था और मेरे द्वारा उसको बचाया गया। उसको जल्द से जल्द खींच कर बाहर निकाला गया और उसकी मेरे द्वारा जान बचाई गई। चूँकि मैं पुलिस महकमे में हूँ, तो मुझे अपने कर्तव्य का पूर्ण ध्यान था एवं मेरे द्वारा बिना कुछ सोचे समझे उस त्वरित कार्रवाई कर उस महिला की जान बचाई गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।